व्यावसायिक खनन के विरोध में किसान संगठनों ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ के 25 किसान संगठनों ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। किसान नेताओं ने कोल इंडिया के निजीकरण पर रोक लगाए जाने की मांग की है और किसान संगठन का कहना है कि निजीकरण में छत्तीसगढ़ के 9 कोयला खदान भी शामिल है, जिस पर विचार कर झारखंड सरकार की तरह छत्तीसगढ़ सरकार भी कोर्ट में आपत्ति दर्ज करे। किसान संगठन अध्यक्ष संजय पराते ने बताया है कि किसानों के 25 से ज्यादा संगठन इस प्रदर्शन में शामिल हैं। देश की सार्वजनिक संपत्ति को बेचने को लेकर केंद्र सरकार की जो नीति है वो नीति हमारे देश को आर्थिक गुलामी की ओर लेकर जाएगी। कोल इंडिया देश के नवरत्न कंपनियों में से एक है। पिछले साल कोल इंडिया ने 53,000 करोड़ रुपए से ज्यादा केंद्र के खजाने में जमा किए, साथ ही 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मुनाफा कमाया, लेकिन 4 लाख लोगों को रोजगार देने वाली कंपनी के निजीकरण की मुहिम छेड़ी जा रही है। देखिए 25 से ज्यादा संगठन किसानों के इस आज के छत्तीसगढ़ के आंदोलन में शामिल है। मुख्य बात यह है कि इस देश के जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको बेचने की केंद्र सरकार की ये जो नीति है वो नीति हमारे देश को आर्थिक गुलामी की ओर ले जाएगी।